अलैकुम। कैसे हो? तैमूर गए? आओ। आहा, आयजा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे इसके कपड़े गीले हो रहे हैं आंटी। हाँ, मुंह हाथ धुलाया है ना मैंने, तो उसमें गीले हो गए। नाश्ता कर ले, बदला दूंगी। वैसे भी नाश्ता करते करते बच्चे कपड़े तो अपने गंदे करते ही है ना। तुम बताओ, खैरियत है? क्यों आई हो? क्या मतलब है क्यों आई हो? मतलब ये कि जमजम आओ, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन जिस तरह से तुमने हमें धक्के देकर घर से निकाला था, मेरा तो ख्याल था अब तुम इधर का रुख करोगी नहीं। पर खैर, हम लोग खानदानी लोग घर आए की इज्जत करना जानते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ना, चाय पी के जाना आप। जानू को कहाँ भेजा आप लोगों ने? हैदराबाद। पता है क्यों भेजा है? तुम कौन हो क्यों पूछने वाली? हमारा बच्चा है, अपने ताया जान के साथ गया है, अब वही रहेगा, वहीं पढ़ेगा। आपको शर्म नहीं आती? कोई एहसास नहीं है आपको? अभी तो वो अपनी माँ के दुख से नहीं निकला होगा, आपने उसे इस घर से दूर कर दिया। सुनो लड़की, तुम हमें ये बताने वाली कौन होती हो? हमारे बच्चे हम अच्छी तरह से जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, तुम्हारी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। ये मेरी बहन के बच्चों का मामला है, मैं क्यों नहीं बोल सकती? वो कैसे अपने बहन भाइयों से दूर रहेगा? क्या हाल कर देंगे वो लोग उसका? कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, और तुम्हें उसके गम में दुबला होने की कतन जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाओ अपने घर जाओ। इतना शुक्र करो कि हमने तुम्हें अंदर घर में आने दिया है, वरना तुमने जो हमारा हाल किया था ना। अपनी खुशकिस्मती समझे आप कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर जानू को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो कमजोर समझ रही हो, धमकी दे रही हो? धमकी समझ ले आप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझती हैं। बस बहुत हो गया, एक लफ्ज मैं और नहीं सुनूंगी। अरे तुम तो उल्टी लड़ाई लड़ने लग गई हो। हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, तुम क्या थानेदार नहीं लग गई हो हमारे ऊपर? अरे जाओ जाओ, अपने घर जाओ, हमारे घर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा मत आना इधर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.